हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडेज टॉपिक इज एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं और वहां पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि एल्कीन अपने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सिग्मा एक्सेप्टर ऑर्बिटल में डोनेट करता है और साइमल्टेनियसली मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल को कार्बन कार्बन के एंटीबॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरी साइड से मेटल अपने फिल्ड इलेक्ट्रॉन को एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, बैक बॉन्डिंग करता है और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर मेटल और कार्बन के बीच में आ जाते हैं। सिमिलरली जैसे कि एल्कीन्स के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसी तरह से एल्काइन्स भी, ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, ये भी मेटल के साथ ऑलमोस्ट सारे ट्रांजिशन मेटल्स और रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि इथीन में या एल्कीन में केवल एक पाई बॉन्ड होता था तो वो एक बार ही बॉन्ड बना सकता था और वो दो इलेक्ट्रॉन यानी टू इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता था। लेकिन इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। कैसे कि ये कार्बन कार्बन ये बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में होते हैं और एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में होते हैं। तो ये अपने ये वाले प्लेन के इलेक्ट्रॉन भी मेटल को दे सकता है और ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये भी ऊपर मेटल को दे सकता है। तो इट कैन इन्वॉल्व वन पाई इलेक्ट्रॉन और टू पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स वन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको और जो दूसरा पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है। और ये एल्कीन्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होता है। जैसे मैंने आपको बताया मेटल से एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेम वे में मेटल से एल्काइन्स की तरफ भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा जाते हैं, मीन्स इट कैन एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन। वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू sp हाइब्रिड कार्बन, तो ये बैक बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है इन कंपैरिजन टू एल्कीन और ये टू इलेक्ट्रॉन और फोर इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। साथ में ये इंटीग्रल मेटल क्लस्टर भी बनाता है। अभी आपने देखा कि ये दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये परपेंडिकुलर है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेन वाले इलेक्ट्रॉन है ये एक मेटल को दिए जा रहे और ये जो वर्टिकल प्लेन वाले इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे मेटल को, तो ये ब्रिज की तरह भी बॉन्ड बना सकता है। इंसर्शन रिएक्शन करके ये एरीन्स का प्रोडक्शन करता है, मीन्स अगर हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की रिएक्शन एल्काइलिनिक कंपाउंड से कराएं तो जो एसिटाइलिन है वो इंसर्ट हो जाता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में और आपको एरीन्स या एरीन्स डेरिवेटिव मिलते हैं। और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब बॉन्ड बनाता था मेटल के साथ मीन्स एल्कीन, तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती थी जिससे इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी IR फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉन्ड कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स कांस्टेंट पे। सिमिलरली यहाँ पे जब जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड ने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया और जब ये आइसोलेटेड था, मीन्स इसने बॉन्ड नहीं बना रखा था, दोनों ही केसेस में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो इस केस में जब ये बॉन्ड बना लेता है तो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 2200 सेंटीमीटर इनवर्स से डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ट्रिपल से लेस हो जाता है, 2.5 समथिंग इस तरह से हो जाता है। तो ये शॉर्टर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर हो जाती है और जो बॉन्ड लेंथ है ये लॉन्गर हो जाती है, ऑलमोस्ट 8 पिकोमीटर से ये बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और 7 पिकोमीटर शॉर्टर हो जाता है MC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये M और C बॉन्ड।
जैसे अगर ये M किसी और कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी उसके कंपैरिजन में इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, शॉर्ट होती है। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो वो कितनी कम होती है, ऑलमोस्ट 7 पिकोमीटर से कम होती है। और अगर ये दो पाई बॉन्ड इंक्लूड करता है, मीन्स एक पहला भी और दूसरा पाई बॉन्ड भी अगर डोनेट करता है और दोनों साइड से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इन दैट केस ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, जो यहाँ पे देखो वैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम जब वो आइसोलेट है। जब वो एक साइड से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये आपकी शॉर्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट लॉन्ग हो जाती है 1.24, ये 1.24 हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये और इंक्रीज हो जाती है 1.32 एंगस्ट्रॉम। तो आपने देखा कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 से 1.24 और 1.32 मीन्स इंक्रीज होती जा रही है। तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस बॉन्ड की, डिक्रीज होती जाएगी। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, जब sp हाइब्रिड होता है, जब ये कार्बन sp हाइब्रिड है तो यहाँ इसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है तो ये बॉन्ड एंगल होता है 180। लेकिन जब ये एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एज ए लिगेंड की तरह किसी को देता है तो ये बॉन्ड एंगल 180 से डिक्रीज होके 163 हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देता है और ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.32 हो जाती है, तो उस केस में ये बॉन्ड एंगल और भी डिक्रीज हो जाता है। 180 से पहले 163 हुआ था, अब ये हो जाता है 140 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि एसिटिलीन दो तरह से जो बॉन्ड बना सकता है, सिंगल और डबल। जब भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है उस केस में हम क्या देखते हैं कि ये जैसे कि एक कोई प्लेन है, सेंटर में मेटल है और यहाँ पे दो दूसरे लिगेंड अटैच्ड हैं, कोई से भी क्लोरीन या कोई और, ये दो लिगेंड्स हैं और यहाँ पे एक कोई तीसरा। यहाँ पे जब इथाइलीन होता है तो वो प्लेनर नहीं होता बल्कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सेम वे में जब एसिटाइलीन बॉन्ड बनाता है तो वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन मेटल ने और तीन लिगेंड ने बनाया है ये इसके परपेंडिकुलर होता है और इस एसिटाइलीन का जो सेंटर है वो इससे अटैच्ड होता है। ये तब होता है जब एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक ही मेटल से जुड़ता है। देखो यहाँ दो अलग बातें हैं कि एक तो ये ऊपर वाला किसी और को, दूसरा नीचे वाला किसी और को दे दिया जाए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये दोनों ही किसी एक ही मेटल को दे दिए जाए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लिख के दिया, प्लेटिनम के साथ दो ट्राई फॉस्फीन फॉस्फोरस, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। और यहाँ देखो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है इस कार्बन से भी इसके साथ जुड़ रहा है और इस कार्बन से भी इसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इंस्टेड ये इससे इस तरह से बॉन्ड बनाए, ध्यान दो, जैसे ये आपने प्लेटिनम लिया तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाएगा, दोनों इसके साथ देगा, ये इस तरीके से बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि ये इस तरीके से दोनों ही कार्बन इन्वॉल्व हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कैसे, कि ये दो प्लेटिनम के साथ ये दो कोई से लिगेंड है और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक टेट्राहेड्रल। इस तरह से ये इसकी बाकी की दो वैलेंसी है जो भी फिनाइल से है या किसी भी चीज से। तो यहाँ देखो प्लेटिनम से ये दो लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये प्लेटिनम से एक ये कार्बन और एक ये कार्बन जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और डिक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट कितने के ऊपर हो गया, टेट्राहेड्रल वाले एंगल पे, और आपको मिलता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये तो था जब वो बाइडेंटेट की तरह करता है और जब वो मोनोडेंटेट की तरह करता है तो आप देखो ये प्लेटिनम और ये एक प्लेन बना, एक
लिगेंड, दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, लेकिन इसके सेंटर से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के सेंटर से चौथा पॉइंट जुड़ा होता है स्क्वायर का, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, प्लेनर स्ट्रक्चर और एक एसिटाइलीन इस तरह से वर्टिकल जब मोनोडेंटेड है, लेकिन जब बाइडेंटेड है तो आपने क्या देखा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक टेट्राहेड्रल है और इस टेट्राहेड्रल में ये देखिए सेंटर पे प्लैटिनम होगा और आपने अगर यहाँ पे सपोज कर लिया एसिटाइलीन, तो ये एसिटाइलीन का एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऊपर वाला कार्बन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों क्या होंगे, दो लिगेंड्स होंगे। तो यहाँ आप सेंटर में किसकी इमेजिनेशन करेंगे, प्लैटिनम की, तो ये आपको मिलता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। नाउ वी सी सिंथेसिस ऑफ एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले हम प्लैटिनम क्लोराइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम डाई टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटिलीन से कराते हैं, तो हम और साथ में लेते हैं हम पैरा एनिसिडीन जिसमें पैरा पोजीशन पे मिथाइल और एनिलीन ग्रुप है, तो हम क्या देखते हैं प्लैटिनम के दो पोजीशन पे क्लोरीन और एक अमीनो वाला लिगेंड जिसमें पैरा पोजीशन पे मिथाइल C6H4NH2 है और साथ में आपको मिलता है एल्काइन लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर आप टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन दो एसिटाइलीन जो सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलीन है इनसे कराते हैं, तो आप देखें प्लैटिनम की दो पोजीशन पे क्लोरीन और साथ में दो पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन लिगेंड मिलते हैं। यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज के साथ जुड़ा हुआ है और तीन कार्बन मोनोऑक्साइड। इस लिगेंड की रिएक्शन अगर हम Bu2C2 से कराते हैं, मीन्स सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन से कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं एक कार्बन मोनोऑक्साइड सब्स्टिट्यूट हो जाता है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन मिलता है। तो ये मेथड थे मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह जब एल्काइन लिगेंड जुड़ता है। नाउ वी सी द क्लस्टर कंपाउंड्स ऑफ एल्काइन्स। इसमें हम देखते हैं कि आपने डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन से कराई, तो आपको इस तरह से ये देखिए कोबाल्ट कोबाल्ट में मेटल मेटल में बॉन्ड है और इसके जो आठ कार्बन मोनोऑक्साइड थे उसमें से दो कार्बोनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और आपको ये दोनों ही कोबाल्ट अटैच हो जाते हैं इस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन से, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके दोनों पाई बॉन्ड जो हैं वो दोनों कार्बन कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक्चुअली एक इसके साथ बना रहा है एक इसके साथ बना रहा है, और ये इतना प्रोमिनेंट बॉन्ड होता है कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है, मींस ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही कोबाल्ट से जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ निकिल का स्ट्रक्चर को समझाया, आप इसको समझ सकते हैं कोबाल्ट के स्ट्रक्चर से कि ये दो कोबाल्ट दोनों ने कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इसके पीछे तीन कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके पीछे भी तीन कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप डिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइनिकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन इससे रिएक्शन करके सेम वे में पहले वो दोनों निकिल से जुड़ती है और दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल एक एक निकिल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब ये देखो यहाँ इसने ब्रिज की तरह एक्ट कर रखा है, लेकिन ये बॉन्ड इतना प्रोमिनेंट होता है कि यू कैन कंसिडर इट लाइक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मीन्स आप इसको यहाँ मान सकते हो कि ये एक निकिल है ये दूसरा निकिल, दोनों ही निकिल ने कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रखा है और ये सेंटर कर रहे हैं टेट्राहेड्रल के कॉर्नर को, और इसके पीछे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल और ऐसे ही इस निकिल से एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जुड़ी हुई होती है। तो ये था क्लस्टर सिंथेसिस ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स ऑफ एल्काइन्स। सिमिलरली हम मोनोन्यूक्लियर प्लैटिनम पैलेडियम और इरिडियम के कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसमें एक ही मेटल होता है, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या इरिडियम, और ये बाइडेंटेड एसिटाइलीन से जुड़ा होता है, साथ में आप देख रहे हैं दो लिगेंड क्लोरीन है, लेकिन ये बॉन्ड इतना प्रोमिनेंट होता है कि
कि आप इसको मान सकते हैं कि इस कार्बन ने पूरा बॉन्ड बना लिया प्लेटिनम के साथ और इस कार्बन ने इसके साथ, और ये ट्रबल से कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। तो आप देखेंगे इनका अगर सेंटर देखा जाए तो ये चारों मिलके एक टेट्राहेड्रल का कॉर्नर बनाते हैं और प्लेटिनम उस टेट्राहेड्रल के सेंटर में होता है। जैसे इस तरीके से ये अगर हम एक टेट्राहेड्रल को इमेजिन करें तो प्लेटिनम इसके सेंटर में होता है और कोई से दो कॉर्नर पे आप एज्यूम कर सकते हैं एसिटाइलीन के दोनों कार्बन, और साथ में दो पोजीशन पे आप मान सकते हैं दो अलग लिगेंड जो कि क्लोरीन भी हो सकते हैं और अमीनो डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और इन चारों को अगर हम अटैच करें या बॉन्ड बनाएं, इन चारों को जोड़ के देखें तो आपको क्या मिलता है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल और सेंटर में प्लेटिनम। तो ये था जहां बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एल्काइन जो है लिगेंड एक्ट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ मल्टी सब्स्टिट्यूटेड एलीन डेरिवेटिव। यहाँ आप देखेंगे ये बेंजीन के डेरिवेटिव है जो कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड है या हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, प्लेटिनम या निकिल का एल्काइन कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन निकिल से या प्लेटिनम से जुड़ी हुई है, और इसकी रिएक्शन हम मेटेलो साइक्लोपेंटीन से पेंटाडाइन से रिएक्शन करा देते हैं। ये मेटेलो साइक्लोपेंटाडाइन भी आप क्या देख रहे हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। जब इसकी रिएक्शन हम इससे कराते हैं तो ये मेटल इन दोनों कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो आप ये देखिए कि ये मेटल ने बॉन्ड बना लिया और आपने देखा ये एल्काइन जो है ये इसके बीच में इंसर्ट हो गई, एक इधर और एक इधर, आप इसको मान सकते हैं कि ये इंसर्ट हो गई। अब हमने क्या देखा कि ये एक जो कि साइक्लोपेंटाडाइन था अब ये साइक्लोहेप्टाट्राइन डेरिवेटिव बन गया और हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें से अगर हम M को बाहर निकाल दें यानी कि हम इसको जरा सा हीट करते हैं तो इसमें से M जो मेटल है निकिल या प्लेटिनम वो बाहर आ जाता है और आपको मिलता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड एलीन डेरिवेटिव या बेंजीन डेरिवेटिव। तो इन ब्रीफ हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटिनम जो है वो तीन टाइप से बॉन्ड बना, एल्काइन जो है वो तीन टाइप से बॉन्ड बना सकता है। पहला कि वो एक मोनोडेंटेट की तरह एल्काइन से बॉन्ड बनाए, दूसरा वो बाइडेंटेट जो क्लस्टर में जो दोनों मेटल है दो अलग अलग मेटल कार्बन से बॉन्ड बनाए, और इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल के दो कॉर्नर्स पे दो मेटल है और दूसरे दो कॉर्नर पे एल्काइन ग्रुप के दो कार्बन है, और तीसरा आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्लेटिनम सेंटर में मोनोन्यूक्लियर है लेकिन वो बाइडेंटेट है। यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर था लेकिन मोनोडेंटेट था और यहाँ पे ये क्लस्टर की तरह था। तो यहाँ मेटल सेंटर में है, दो लिगेंड इधर और ये दोनों कार्बन बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर। क्वेश्चन नंबर वन, एल्काइन कैन एक्ट एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, बी बाइडेंटेट लिगेंड, सी बोथ। आपको बताना एल्काइन कितनी तरह से एक्ट कर सकता है इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर टू, एल्काइन लिगेंड इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस प्लेस्ड ए इनसाइड प्लेन, बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सी पार्टली इनसाइड पार्टली वर्टिकल टू द प्लेन। एसिटाइलीन या एल्काइन की क्या पोजीशन होती है कॉम्प्लेक्स में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इन एल्काइन लिगेंड इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ए शॉर्टर देन आइसोलेटेड एल्काइन, बी इक्वल टू आइसोलेटेड एल्काइन, सी लॉन्गर देन आइसोलेटेड एल्काइन। आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर फोर, मेटल कार्बन बॉन्ड इन एल्काइन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ए शॉर्टर देन मेटल कार्बन बॉन्ड, बी इक्वल टू मेटल कार्बन बॉन्ड, सी लॉन्गर देन मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड बॉन्ड डिस्टेंस की कंपैरेटिव आपको लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एल्काइन मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो इंसर्शन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बताना है एल्काइन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ कम्स आंसर की फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सी क्वेश्चन नंबर 2, बी क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 ए। This was all about alkyne complexes and in this we noticed the structure of alkyne complexes and one property of alkyne complexes. Simultaneously we discussed structure of alkyne complexes. So this was all about alkyne complexes. Thank you for watching it. All the very, very best. Thank you.